बिल्कुल जूसी है, ये देखो मसाला जो ना अंदर तक का, और सरसों के तेल में जो किया हुआ, ये देखो हाँ। अच्छा अंडे कुकर च उबाल दियो, गर्म रहंदे ना? अच्छा वो कुकर च गर्म रहंदे, मतलब दुकान ते सब हर एक चीज सब ले जी ते अपने आप नु खाली। हेलो गाइस, क्या हाल है, उम्मीद करते कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम विक्की भारद्वाज। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी कांगड़ा के किले की, और ये आज हमारा डे टू ब्लॉग का। और दोस्तों आज हम जो है ना हिमाचल में ही थे, और इसलिए कपड़े भी चेंज नहीं किए, वही थे हिमाचल में ही थे हम। तो अभी हम खाने वाले हैं आज हिमाचल का जो मशहूर है ना वो चिकन। दोस्तों हिमाचल में जो ना रिंकू फिश कॉर्नर है, हमने एक उसको बड़ी जगह से पूछा, हमने उन्होंने कहा कि उसको एक्सप्लोर करो, उसका जो चिकन है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम वहाँ ना वहाँ से चिकन खाते हैं। चिकन इनका जो है फ्राई है, और इनका रान वाला चिकन है, तो वो खाते हैं। चलिए आ जाओ मेरे साथ। और ये है वो भैया, भैया की नाम की अपना? मेरा रिंकू। रिंकू, रिंकू चौधरी। रिंकू चौधरी, और भाई की बनाते थी? मुर्गा फ्राई। अच्छा राड। अच्छा तो अंडे। अच्छा राड का मतलब? मतलब मुर्गा ग्रेवी वाला, ग्रेवी नहीं मतलब मसाले च बनाते मुर्गा। अच्छा मसाले। की रेट की है भाई? 120। और चिकन अपना तुम्हारी दुकान की लोकेशन की है? लोकेशन परमार तो कोई किलोमीटर अगर निहाल रही है जगह। अच्छा निहार, मतलब इतने भी ज्वाली ते राजे तला दे जसूर तक, जिसमें मुझे पूछ लो कि टॉप फ्राई मच्छी खानी है। अच्छा तो अपने आप बता देंगे कि न्याली जाओ, तीन दुकानें है ये मेरी फर्स्ट हाँ। ते दो अगे करके है ते किन्ने बजे तो किन्ने बजे तक खुली रहती है? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਛਲੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੇਸਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾਈ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਪੀਸਿਆ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਈ ਮੁਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਫਰਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਣ ਬੁਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਗਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸੇਮ ਮਸਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਬੀਨ ਜੀਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਤੇਲ ਪਾਈਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਤੇਲ ਪਾਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਕਰ ਕਰਾਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 2 ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਊਗਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਮੰਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਿਕਨ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 ਕਿਲੋ। 10 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮਛਲੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 3-4 ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਛਲੀ ਤਾਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੋਆ ਫਰਾਈ ਮਛਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਛਲੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਰਗਾ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾਲ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਾ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਲਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਰਾੜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਗਾ ਰਾੜ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਫਰਾਈ ਫਰਾਈ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਫਰਾਈ, ਜੋਰ ਮੈਨੇ 2 ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਫਰਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਰਾੜ। ਚਲੋ ਮੁਰਗਾ ਰਾੜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਰਾੜ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸਟਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ। ਵਿਊਅਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਰਾੜ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਚਿਕਨ ਫਰਾਈ। ਅਬ ਖਾ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕੈਸਾ। ਵਿਊਅਰ ਇਹ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਰਾੜ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ बड़ी थिक ग्रेवी जो है ना वो है, जबरदस्त बनाया हुआ है, बड़ी थिक ग्रेवी है। ये देखो
प्योर पीस जो है ना बड़े छोटे छोटे कई हुए बिल्कुल छोटे छोटे महीन पीस जी सर। और ये ना चटनी देखो पहले मस्त चटनी है ये देखो व्यूअर व्यूअर खाते तो सत बिस्मिल्लाह लेकिन मैं तो खा रहा हूँ व्यूअर अभी जो है ना इसको फ्राई को टेस्ट करके देखते हैं फ्राई कैसा बिल्कुल जूसी है ये देखो मसाला जो है ना अंदर तक का और सरसों के तेल में जो किया हुआ है ये देखो सरसों के तेल में है ये देख रहे हैं पीला पीला ये सरसों का तेल लगा हुआ है ये देखो और ये है पुदीने की चटनी ये देखो ओह आउट क्लास है यार आउट क्लास ये देखो मसाले ना सारे जो मच्छी वाले लगाए हुए हैं और आप ये देखो ऊपर ही हो ना ये धनिया वगैरह जो ना ऊपर ही है सारा जितना भी है ना ये ऊपर ही लगा हुआ है जैसे वो अचार के मसाले होते हैं ना जो घर में आम का अचार बनता है या वैसा ये बिल्कुल अचार के मसालों की तरह ये देख रहे हैं आप ऊपर ये देखो सारे मसाले ऊपर लगे हुए हैं ये वाले ये ऊपर ही धनिया साबुत धनिया डाला हुआ है पूरा मज़ेदार है व्यूअर इस छोटी सी वीडियो ना आज जैसा आप पिछले देखा आपने हम कांगड़ा का किला देख के आए थे बस हम ना आज डे टू में वापस जा रहे थे तो हमको किसी ने कहा कि आप ना यहाँ का ना रिंकू की मछली और वो ट्राई करके देना मछली तो मिली नहीं हमें तो हमने चिकन और राड चिकन उन्होंने बोला मैं राड चिकन का था ये पहली बार देखा ये देखो ये राड चिकन राड चिकन मतलब कि इन्होंने राड लगवाई होती है जैसे हमारे यहाँ पे टिक्के बनते हैं ना टिक्के चिकन के टिक्के वैसा होता है बिल्कुल छोटे छोटे पीस में है और ये साथ में चटनी है इसकी ये साथ में चटनी है चटनी आप ऐसे ही पी सकते हो ये बीच में पूरी ना वो लगाई हुई है क्या कहते हैं उसको धनिया साबुत धनिया और ये पुदीने की चटनी है इसके साथ में ऐसे अच्छा अंडे कुकर च उबाल दे गर्म रहते ना अच्छा कुकर च गर्म रहते हैं मतलब पानी से खोल के बाद कुकर बंद कर दीजिए अच्छा जिस अंडे गर्म रहे ठीक है और धनिया जो फ्राई चिकन साबुत पाते हैं ना नहीं इस मतलब दरड़ कि दरड़ मतलब दो हिस्से एक इतना नहीं है जो दाना होता है दो हिस्से करके अच्छा उस हिसाब ना मतलब मिक्स करे वो करीदा सी खुद करीदा साबुत लेके दुकान से साबुत हर एक साबुत ले जी ते अपने आप को साबुत ते चटनी आवे बिल्कुल ठंडी होती है हां ए जे पाओ थोड़ी पाओ ते मच्छी खराब नहीं लगती अच्छा जेड़ा आज फायदा खादला बंदा वो कल फिर आता अच्छा अच्छा इस करके जो ना चिकन फ्राई हो ना इतना टेस्ट लगा अभी और हमने बुक करवाया लेकिन उससे पहले जो है ना मैं जो अंडा खाता हूँ मैं ये देखो ये अंडा व्यूअर खाते तो सत बिस्मिल्लाह तो मैं तो हाँ चटनी में व्यूअर पूरी तरह से डिप करके खाने में मजा आता है जो चिकन है चिकन बिल्कुल जूसी चिकन है देखो हड्डी का ना बोन मैरो तक बाहर आ गया ये थी आज की छोटी सी वीडियो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो को लाइक करना शेयर करना आज तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हिमाचल का टूर अभी हम और करेंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद एक दो दिन के बाद ब्रेक के बाद फिर हिमाचल का टूर और हम हिमाचल को एक्सप्लोर करेंगे अभी